ఈరోజు మీకు అందరికి తెలుసు భారత దేశ మొట్టమొదటి ఉప ప్రధానమంత్రి భారత దేశ మొట్టమొదటి హోమంత్రి సర్దార్ పటేల్ యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను దేశవ్యాప్తంగా మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం అందరికంటే మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేతృత్వంలో దేశంలో ఆ రోజు దేశ ఐక్యత కోసం దేశానికి యూనిటీ కోసం వారు అనేక రకాలుగా ఆ రోజు సాహసంతో నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు మనమందరం కూడా ఈ యొక్క దేశం యొక్క సమగ్రత సమైక్యత మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఎక్కడైనా సర్దార్ పటేల్ జయంతి ఉత్సవాలు చేస్తారో లేదో కానీ హైదరాబాద్ లో మాత్రం విధిగా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ నాటి దక్కన్ రాష్ట్రమైనటువంటి నిజాం పరిపాలన ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాలలో కూడా మనం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటది మై ఆప్ లోగన్ కు బతానా చాతా హూ దేశ్ మే సబ్సే పెహలా अगर किधर तो भी सरदार पटेल जी का याद करना है वो हैदराबाद में जरूर याद करना चाहिए क्योंकि देश भर में 15 अगस्त 1947 को आजाद मिला है मगर इस हैदराबाद केंद्रित जो निजाम राज था आज कुछ जिला महाराष्ट्र में गए कुछ जिला कर्नाटक में गए आज का हैदराबाद केंद्रित जो तेलंगाना स्टेट है इस प्रांत को लगभग 13 महीना आजाद मिला है इस धरती पर बहुत लोग संघर्ष किए थे इस धरती पर तिरंगा लहराने के लिए इस हैदराबाद स्टेट को भारत में विलीन करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था मगर इस संघर्ष में हजारों लोग शहीद हुआ निजाम के प्राइवेट आर्मी रजाकार गांव के ऊपर जो भी तिरंगा पकड़ता था जो भी भारत माता को जय बोलता था जो भी वंदे मातरम बोलते थे उनके खिलाफ बहुत अत्याचार किया बहुत हजारों लोगों को हत्या किए थे मगर सरदार पटेल जी जिस दिन पुलिस एक्शन करके दिल्ली से आर्मी को भिजाकर कुछ आर्मी मुंबई के तरफ से कुछ आदमी विजयवाड़ा के तरफ से कुछ आदमी नागपुर के तरफ से सभी हैदराबाद शहर को निजाम राज को घेर लिया था जब निजाम आगे आकर बहुत खून बहाना होने के बाद जब हार मान लिया 1948 सितंबर 17 को इस प्रांत देश में विलीन हुआ है उस दिन सरदार पटेल जी के कारण हुआ है सरदार पटेल जो निर्णय लिया है इसमें खून खराबा रोकना चाहिए जो अत्याचार होता था अत्याचार रोकना चाहिए इस निर्णय पे सरदार पटेल जी पुलिस एक्शन का ऐलान करके इस धरती पर मिलिट्री एक्शन करके आजाद दिया था सितंबर 17 को इस धरती पर तिरंगा लहराए गए 13 महीना आजाद आखिर में मिला था हैदराबाद शहर को ऐसा देश भर में सरदार पटेल जी के कारण 500 से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स को छोटे छोटे राज्य को अपने आप इंडिपेंडेंट घोषित करते थे सबको मिलाने के लिए प्रयास किया अंग्रेज वाले जब भारत छोड़ के जाते वक्त ये निर्णय किए थे जो भी राज थे जो भी छोटे छोटे किंग्स थे उनको बताया गया आपको मर्जी है तो आप भारत में विलीन हो सकता है आपको मर्जी नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट राज्य के नाते काम कर सकते हैं ऐसा अंग्रेज वाला जाते जाते वक्त भी ये निर्णय करके गया इसके कारण अलग अलग जगह हम भारत में विलीन नहीं होते हम इंडिपेंडेंट रहेंगे ऐसा अलग अलग प्रांतों में वो लोग आकर के बैठे थे मगर सरदार पटेल जी के कारण 500 से ज्यादा जितने ऐसे छोटे छोटे राज थे सबको भारत के मिलाने में बहुत बड़ा रोल सरदार पटेल जी ने प्ले किए थे वो होम मिनिस्टर के नाते देश भर के राजाओं से बात किया
देश भर से जो संस्थान उनसे बात किया, बात करने के बाद वो जगह और आज वॉलंटियरली दे केम फॉरवर्ड।